हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश क्लर्क परीक्षा की तैयारी की जो ऑनलाइन क्लासेस सीरीज चली हुई है उसके आज की ऑनलाइन क्लास आज की, और हम जो है अभी क्वेश्चन पेपर सीरीज चल रहे हैं, उसके बाद फुल डिटेल वाइज क्लासेस में हम आपके लिए लेकर आएंगे। क्विक रिविजन ही आपका रहने वाला है क्वेश्चन पेपर सीरीज में, ठीक है। एक बेसिक सा आइडिया आपको मिलेगा पैटर्न के बारे में, और बहुत सारे आपके सवाल आते हैं कि आखिर क्लासेस कौन से क्लर्क के लिए यहाँ पर हो रही है। तो 839 और 887 पोस्ट कोड के तहत जो आपकी परीक्षा होनी है क्लर्क की डीसी ऑफिस के लिए सिरमौर और चंबा के लिए, ठीक है, जिन्होंने भी फिल करवाया है तो उनके लिए क्लासेस हैं। बेसिकली बेसिक से एडवांस की ओर हम अभी जा रहे हैं, और बेसिक में हम क्वेश्चन पेपर सीरीज कर रहे हैं और एडवांस में हम जो फुल डिटेल वाइज क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। फ्री क्लासेस रहती है, किसी भी तरह का आपको यहां पर जो है वो पैसे की डिमांड नहीं की जाती है, पहले बता दूं, ठीक है, फ्री क्लासेस रहती है बिल्कुल। और चलिए शुरू करते हैं हम एचपीएसएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट वन हमने पिछली जो वीडियो थी रही थी हमारी जो पिछली क्लास रही थी उसमें डिस्कस किया था, अभी जो हम पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बधु मुख्यतः पालते हैं बकरियां, ऊंट, मवेशी, सुरागाय यानी कि याक। तो जल्दी से लाइव चैट आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, वहां पर आप बता सकते हो, इससे आप इससे आपकी क्विक एनालिसिस होगी, क्विक रिविजन भी होगी, किस तरह से आप जो है अपने नॉलेज को यहां पर यूज कर सकते हो। तो जल्दी से बता दीजिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऊंट, ठीक है। जो बधु रहते थे, ये बधु क्या थी, एक प्रजाति थी यानी कि ट्राइब था, बधु ट्राइब है एक, जो कि मेनली अरबी ट्राइब कहलाता है, ठीक है। अरब में ये जो है पाया जाता है, उत्तर अफ्रीका की अगर हम बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये ट्राइब जो है वो पाया जाता है, और ये खाना बदोश है, और मेनली जो ये रहते हैं वो कबीलों में बंटे हुए रहते हैं जो बधु हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्विनिन का निष्कर्षण निम्न की छाल से किया जाता है। क्विनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ कपूर वृक्ष, ब्लाटा वृक्ष, सिकोना वृक्ष या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये एचपीएसएससी द्वारा ही पूछा गया प्रश्न पत्र है, आप चाहे तो उसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, 484 पोस्ट कोड के तहत, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी लेवल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, चाहे एडवांस हो ये आपको लगे, बट इस लेवल के आपको आने चाहिए। तो क्विनिन का निष्कर्षण जो है वो कहां से किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिकोना वृक्ष से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर जल्दी जल्दी हम जो डिस्कस करते हैं, पौधरोपणी कृषि है श्रम गहन, भूमि गहन, पूंजी गहन, पावर गहन, ए और बी दोनों। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जो पौधरोपणी कृषि है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, उसमें आपके पास लेबर इंटेंसिव भी आता है और कैपिटल इंटेंसिव भी आता है, तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं, तो ए और बी जो है वो दोनों सही रहेंगे। अगला है, रशिया इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, रशिया मुख्य उत्पादक है बॉक्साइट का, लौह अयस्क का, हीरे का, प्राकृतिक गैस का। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, प्राकृतिक गैस का। अभी हाल ही में जो एक एग्जाम हुआ था एचपीएसएससी का, ठीक है, तो उसमें भी ये पूछा गया था कि प्राकृतिक गैस का जो है वो मुख्य उत्पादक देश कौन सा है, तो उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, तो आपको जैसे रशिया है तो रशिया सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये आना चाहिए। अगला है, माउंट एवरेस्ट अवस्थित है, काफी सिंपल सा है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, नेपाल में। अगला है, कार्डामोम की पहाड़ियों को यह भी कहा जाता है, जो कार्डामोम हिल्स हैं उसको और क्या कहा जाता है, पलानी पहाड़ियां, येलागिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां या फिर नीलगिरी पहाड़ियां। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पलानी पहाड़ियां, जो आपके पास कार्डामोम की पहाड़ियां उसको पुरानी पहाड़ियां के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला है, कालादन एक महत्वपूर्ण नदी है नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की, मेघालय की। भारत सामान्य ज्ञान में आपको जो है नदियों से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो आपको हर एक का नॉलेज होना चाहिए। कालादन एक महत्वपूर्ण नदी है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, मिजोरम की, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है, शिलोंग, रांची, कन्याकुमारी या जोधपुर। दिसंबर माह के दौरान जो है वो कहां पर मैक्सिमम सनलाइट जो है वो रहती है। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अम्लीय मृदा धारण नहीं करता है, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर या असम। निम्नलिखित राज्यों में से कौन अम्लीय मृदा धारण नहीं करता है। सो इसका सही उत्तर रहेगा
ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान जो है वो जो अम्लीय मृदा है वो धारण नहीं करता है, याद रखना है। बाकी आपके पास जो त्रिपुरा है, मणिपुर है, असम है, ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है आपको क्या मिलेगा, एसिडिक सॉइल्स। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है, गंगा, सतलुज, चेनाब या रावी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सतलुज नदी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर जो है वो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो बनाई गई, आप जानते, तो इसी के अंतर्गत जो है वो दोहन किया जा रहा है, ठीक है। अगला है भारत के किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तमिलनाडु का, केरल का, कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का। सो जल्दी से बता दीजिए भारत के किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। सो राइट आंसर इज क्या रहेगा, ऑप्शन बी केरल का जो लिंग अनुपात है वो 1000 से अधिक है, ठीक है, यानी कि वहां महिलाओं की जो लिंग अनुपात है हम कह सकते हैं वो ज्यादा है, ठीक है, 1000 से अधिक है, काफी ज्यादा महिलाएं पाई जाती है, सबसे शिक्षित राज्य है तो ऐसा होना वाजिब भी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर है, सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, अपर बड़ी तोहाब नहर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। अगला है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईआरडीपी, आईआरडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठोस वित्तीय प्रबंध, निर्यात संवर्धन, बैंकिंग सुधार या ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन, ठीक है। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन जो है वो अगर हम बात करें आईआरडीपी का मुख्य लक्षण है। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 में आरंभ की गई थी, जो मिड डे मील आपके पास रहता है एमडीएम स्कीम स्कूल्स में, तो वो लॉन्च की गई थी 1995 में किसके लिए, प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण के लिए, ठीक है। अगला है नाबार्ड का मुख्यालय अवस्थित है लखनऊ में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में, जो नाबार्ड है उसका हेड ऑफिस कहां पर है। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी मुंबई में, ठीक है, मुंबई में जो है आपका नाबार्ड का मुख्यालय हेड ऑफिस है। ये हेड ऑफिस से संबंधित प्रश्न काफी ज्यादा टाइम पूछे गए हैं, याद रखना आपको। अगला है करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है करेंसी जोखिम को, ब्याज दर जोखिम को, करेंसी तथा ब्याज दर जोखिम या विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रभाव। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी विभिन्न करेंसी में जो रोकड़ प्रभाव रहता है, कैश फ्लोज रहते हैं, जो डिफरेंट टाइप की करेंसीज होती है उसमें क्या रहता है, उसको जो मैनेज करता है वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, करेंसी स्वैप, करेंसी उपकरण, ठीक है, याद रखना आपको। अगला है गिल्ट एज्ड मार्केट का आशय है, बुलियन मार्केट, सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट, गन्स का मार्केट या शुद्ध धातुओं का मार्केट, जो गिल्ट एज्ड मार्केट रहते हैं। सो इसका सही उत्तर रहेगा मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट, उसे क्या कहते हैं, गिल्ट एज्ड मार्केट, या आपको ऐसा याद आना चाहिए कि गिल्ट एज्ड मार्केट जो रहता है वो सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट रहता है, यहाँ यानी कि जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला है भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संघ के वित्त मंत्री द्वारा, संघ के वाणिज्य मंत्री द्वारा। जो आपके पास भारत की मौद्रिक नीति है उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा, जो गवर्नर रहता है आरबीआई द्वारा, उसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जो रहती है इंडिया की वो अनाउंस की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है, राजस्व घाटा, बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा या प्राथमिक घाटा। जब हम कहते हैं कि सरकार जो है घाटे में चल रही है तो किसका जो है ज्यादा योगदान रहता है, अभी आपको जो है वो पता होना चाहिए। सो इसका सही उत्तर रहेगा राजकोषीय घाटा, ठीक है। जब राजकोषीय घाटा जो है आता है तो सही मायने में हम कह सकते हैं कि
जो भारत सरकार है वो घाटे में चल रही है, उसका मुख्य योगदान रहता है। जब तक राजकोषीय घाटे पर जो है उतना असर नहीं पड़ता, तब तक जो है हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार जो है वो घाटे में चल रही है। तो आपको जो है ये याद रखना है, संबंधित तथ्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अगला प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है, जो इनविजिबल इनविजिबल एक्सपोर्ट है वो मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ किसके निर्यात से? सेवाएं, प्रतिबंधित सामान के, अलिखित सामान के, या स्मगलिंग का सामान? सो राइट आंसर इज सर्विसेज, ऑप्शन ए, ठीक है। जो अदृश्य निर्यात है उसका आशय जो है वो सेवाओं के निर्यात से है, सर्विसेज के निर्यात से। अगला है, लोकसभा की अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं अगर उनको अपना रिजाइन देना है तो वो किसे संबोधित करके अपना जो है वो पद त्याग सकते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, जो डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं उनको जो है वो लोकसभा के स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन जो है वो देते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? एकरूपता, विकेंद्रीकरण, द्वितंत्र या स्वतंत्र न्यायपालिका? निम्न में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? कौन से इसमें से जो करेक्टरिस्टिक नहीं है? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ठीक है। भारतीय प्रशासन में जो है वो द्वितंत्र नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये एक लाक्षणिकता नहीं है। बाकी यूनिफॉर्मिटी भी है, एकरूपता भी है, विकेंद्रीकरण भी है, और साथ में स्वतंत्र न्यायपालिका भी जो है वो कार्य करती है भारतीय प्रशासन में। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों तो जो है वो लाक्षणिकता है, भारतीय प्रशासन की लाक्षणिकता है, परंतु जो द्वितंत्र है वो लाक्षणिकता नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता? मित्रवत, अन्य देशी, दुश्मन अन्य देशी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? सो जल्दी से बता दीजिए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, दुश्मन अन्य देशी, ठीक है। दुश्मन अन्य देशी जो है वो एक ऐसा वर्ग है जिसमें नागरिकों को जो है वो जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जो मूलभूत अधिकार मिले हैं, वो हासिल नहीं कर सकता, जो दुश्मन अन्य देशी है, एनिमी एलियंस जो रहते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, भारत के अटोर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश? जल्दी से बताइए कि जो अटॉर्नी जनरल होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर जो है वो बने रहते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला है, प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन सा निर्विरोध वापस आए थे? डॉक्टर YS परमार, आनंद चंद, पंडित पदम देव या जोगिंद्र सिंह? प्रथम जो लोकसभा हुई थी उसमें निम्न में से कौन जो है निर्विरोध वापिस आए थे? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर YS परमार, यशवंत सिंह परमार जो थे वो निर्विरोध वापिस आए थे। अगला है, सत्रावसान या स्थगन जिसे हम कहते हैं के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता? संकल्प, विधेयक, प्रस्ताव या अधिसूचनाएं? जल्दी बताइए, प्रोरोगेशन के रिजल्ट के स्वरूप भी कौन सा जो उसमें से वो अफेक्टेड नहीं होता है? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, विधेयक, बिल्स जो हैं वो अफेक्टेड नहीं होते हैं प्रोरोगेशन के दौरान भी, ठीक है। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु, संविधान संशोधन विधेयक आत्मसात करने हेतु, या फिर जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु? देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पोस्ट कोड 484 के तहत, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो कलर की परीक्षा हुई थी सेम पैटर्न था, सिलेबस सेम था, ठीक है। बस जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अलग, बट सेम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे इस बार भी पूछा जाएगा।
तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारतीय सदन के जो दोनों भारत संसद के दोनों सदन रहते हैं उसकी संयुक्त बैठक जो है वो आयोजित कब की जाती है, जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो और उस पर विचार पारित करने हेतु की जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है, उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, राज्यपाल के पास, संबंधित राज्य के पास। जो उच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति किसके पास निहित है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, संसद के पास। ठीक है, पार्लियामेंट के पास जो है एक ऐसी शक्ति रहती है जिससे कि वो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार भी कर सकता है और सीमित भी कर सकता है। ठीक है, इतनी पावर्स रहती है संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। अगला है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं वित्त आयोग के, नीति आयोग के, राष्ट्र विकास परिषद के या फिर अंतर राज्य परिषद के। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राष्ट्र विकास परिषद, जिसे हम एनडीसी भी कहते हैं। याद रखना आपको शॉर्ट में एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो है वो सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला है, राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष के लिए नियत रखी गई है, 2020, 2022, 2024 या 2026? देखिए, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राज्य जो विधानसभाएं हैं उसकी सदस्य संख्या किस वर्ष के लिए जो है नियत रखी गई है, फिक्स रखी गई है, तो आपको ये आना चाहिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 2026 के लिए जो है वो फिक्स रखी गई है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द ईस्टर्न जोनल काउंसिल, पूर्व क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है, बिहार को, सिक्किम को, ओडिशा को या पश्चिम बंगाल, जो पूर्व में आते हैं आपके पास। ठीक है, पूर्व क्षेत्र परिषद जो है जिसे हम ईस्टर्न जोनल काउंसिल या ईजेडसी भी कहते हैं, उसमें जो है वो किस राज्य को शामिल नहीं किया गया, सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से बताइए और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके पास। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, सिक्किम को जो है वो शामिल नहीं किया, सिक्किम भी आपको जानते कि ईस्टर्न जोनल में आता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है वो जो इसकी काउंसिल है ईस्टर्न जोनल काउंसिल, उसमें सिक्किम को जो है वो शामिल नहीं किया गया, बाकी बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जो है इसमें आते हैं। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता, बीमा, मत्स्य पालन, कृषि या फिर द्युत क्रीड़ा, जल्दी बताइए। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस जो है वो राज्य सूची में नहीं आता है, बाकी फिशरीज आपके पास, एग्रीकल्चर, गेमलिंग है, वो सभी जो है आपके पास वो राज्य सूची में आते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत, परंतु बीमा जो है वो राज्य सूची में नहीं आता है। अगला है, एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए पात्रता के लिए किस आयु का होना ही चाहिए? अभी रिसेंटली एग्जाम सॉरी अभी रिसेंटली जो पंचायत चुनाव हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष जो है होने चाहिए। अगला है, किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है एक, वैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, इनमें से कोई नहीं। द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू अ पार्लियामेंट, किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है, कौन सा है? राइट आंसर इज लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट ये रहता है, फंडामेंटल राइट नहीं रहता, ये लीगल राइट रहता है जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट इलेक्शंस। ठीक है, पार्लियामेंट के चुनावों में जो है वो मताधिकार एक लीगल राइट बन जाता है। अगला है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज, भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है वो राष्ट्रपति है। काफी ज्यादा मजेदार ये प्रश्न है, प्रथम व्यक्ति जो रहता है वो राष्ट्रपति रहता है, तो आपको याद रखना है। अगला है, यूपीएससी के प्रारंभ की खोजा जा सकता है 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट या 1947 एक्ट, जो यूपीएससी के प्रारंभ को खोजा जा सकता है किसमें? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, 1909 एक्ट। ठीक है,
यूपीएससी की प्रारंभ को खोजा जा सकता है 1909 एक्ट में। अगला है, निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है, यानी कि जो ध्वनि ध्वनि को जो है साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, कारपेट, पर्दे, गद्दे या ये सभी। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पर्दे, कर्टेन्स। ठीक है, पर्दे जो है वो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। अगला इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र जो रहता है वो ना अवतल दर्पण में रहता है, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है, एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पादन करता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, दिष्ट धारा जनित्र या फिर प्रेरण कुंडली। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। काफी ज्यादा मजेदार ये प्रश्न आ रहे हैं। चमकीला तारा पोलरिस को यह भी कहा जाता है, नॉर्थ तारा, साउथ तारा, मृदुतम तारा या लघुत्तम तारा। जो आपके पास पोलरिस तारा है उसको क्या कहा जाता है, चमकीला तारा इसे कहते हैं, ब्राइट स्टार पोलरिस को, और क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, द स्मॉलेस्ट स्टार, स्मॉलेस्ट स्टार जो रहता है, लघुत्तम तारा जो रहता है वो क्या रहता है, पोलरिस रहता है। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी आपके पास। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है, आयनमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या बाह्यमंडल। ठीक है, जो लेयर रहती है एटमॉस्फेयर की, जो आपके पास अर्थ से क्लोज, अर्थ सरफेस के क्लोज रहती है, उसको क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आयनमंडल, आयनोस्फीयर जो है उसे हम कहते हैं। याद रखना आपको, जो पृथ्वी की सतह से लगती है, ये आपके पास जो है वो भूगोल से संबंधित प्रश्न है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपके पास थोड़ा यहाँ पर हम चलते हैं सामान्य विज्ञान की ओर। तो धोने का जो आपके पास सोडा होता है उसका रासायनिक रूप से जाना जाता है, वॉशिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, आपने पढ़ा ही है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है हम कहते हैं वॉशिंग सोडा को, केमिकली नेम रहता है इसका। अगला है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कहलाती है, क्वार्ट्स, ड्राई आइस, क्रिप्टन या जिनोन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है, इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, शुष्क बर्फ। ठीक है, ड्राई आइस को जो है हम क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये थी हमारे आज के प्रश्न क्वेश्चन पेपर सीरीज के, और ये क्वेश्चन पेपर सीरीज जो है एंड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर हमने एंड कर दिया है। इसके अलावा हम महत्वपूर्ण आपके लिए क्लासेस भी लेकर आएंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, हर रात जो है रात 9 बजे यहाँ पर ये क्लासेस ली जाती है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, अपनी फीडबैक भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपके कितने जो है वो यहाँ पर मार्क्स बन रहे। ठीक है, आउट ऑफ कितने आपने जो क्वेश्चन ठीक किए वो कमेंट सेक्शन में बताइए, फीडबैक दीजिए किस तरह की क्लासेस आपको लग रही हैं। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इसके अलावा हम आपके लिए जो है वो एडवांस लेवल की क्लासेस भी जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूं ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।